अफगानिस्तान के काबुल में दोहरे आत्मघाती विस्फोटों में 8 मारे गए, जिनमें 8 पत्रकार, 45 घायल हो गए। इस्लामी राज्य जिम्मेदारी का दावा करता है। अधिकारियों ने बताया कि सोमवार सुबह अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में 2 आत्मघाती हमले में 8 पत्रकारों सहित कम से कम 2 लोग मारे गए थे। सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता वाहिद मजरू ने कहा कि हमले में 45 अन्य लोग घायल हो गए हैं। पीटीआई के अनुसार इस्लामी राज्य ने विस्फोटों की जिम्मेदारी ली है। काबुल पुलिस प्रमुख के प्रवक्ता हाशमत स्टेन के जई ने कहा कि पहला बॉम्ब मोटरबाइक पर था और दूसरा आत्मघाती हमलावर पैर पर था। दूसरा हमलावर पत्रकारों में से एक था जो पहले आत्मघाती बम हमले को कवर करने के लिए दृश्य में इकट्ठे हुए थे। स्टेन केजरी ने कहा, उन्होंने कहा कि दूसरे हमलावर ने फिर भी संवाददाताओं के बीच अपने विस्फोटकों को विस्फोट कर दिया। अफगानिस्तान के बेहसुद जिले के अपराध जांच विभाग के प्रमुख विस्फोट में मारे गए, जबकि उपी जिला राज्यपाल घायल हो गया। स्थानीय अधिकारियों ने पुष्टि की। फोटोग्राफी शाह मारी भी मृतकों में से एक थे। मारी की एक विस्फोट में मृत्यु हो गई जो पत्रकारों के एक समूह को लक्षित कर रहा था जो काबुल में आत्मघाती हमले के दृश्य में पहुंचे थे। पत्रकार सुरक्षा समिति के एक अधिकारी सेदिकुल्ला तावीदी ने कहा कि एक और पत्रकार सोमवार के हमले में मारे गए थे। तावीदी का कहना है कि स्थानीय टीवी का एक कैमरामैन भी मारे गए थे। नागरिकों, पुलिस और आपातकालीन कर्मियों के साथ दूसरे विस्फोट में कई पत्रकार घायल हो गए हैं जो पहले विस्फोट पीड़ितों की सहायता कर रहे थे। वजीर अकबर खान अस्पताल के निदेशक मोहम्मद मुसा जहीर ने बताया कि विस्फोटों से पीड़ित कई लोगों को अस्पताल में इलाज किया जा रहा था और कुछ गंभीर थे, क्योंकि डर था कि मृत्यु दर बढ़ सकती है। पुलिस प्रमुख ने कहा कि लक्षित किए गए काबुल के केंद्रीय क्षेत्र में विदेशी कार्यालय शामिल हैं। एक इस्लामी राज्य से संबद्ध वेबसाइट पर पोस्ट किए गए एक बयान में इस्लामी राज्य समूह ने कहा कि इसके 2 शहीद साधकों ने डबल कब बमबारी की, अफगानिस्तान खुफिया सेवाओं के मुख्यालय को लक्षित किया। अफगान राष्ट्रपति अशरफ घनी ने काबुल में हुए हमलों की दृढ़ निंदा की है। राष्ट्रपति महल द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि निर्दोष नागरिकों, मस्जिदों के अंदर उपासक, राष्ट्रीय और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं, पत्रकारों और भाषण की स्वतंत्रता को लक्षित करने वाले हमले युद्ध अपराध हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका यूएस दूतावास ने एक बयान जारी किया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका काबुल मैं आज के क्रूर बम विस्फोटों की निंदा करता है। हम सभी पीड़ितों के परिवारों, दोस्तों और सहयोगियों को हमारी गहरी संवेदना बढ़ाते हैं, जिनमें मृतकों और घायल लोगों के बीच कई बहादुर पत्रकार शामिल हैं।